जब आप एक्टर को डांस कराते हो तो सारे ही एक्टर बहुत अच्छे डांसर्स नहीं होते टेक्निकली, तो ऐसे में 70% नहीं होते, 70% नहीं होते, तो आप उनको भी उनके हिसाब से समझ के डांस कराते हो। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशन पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। मेरे साथ है मुदस्सर खान कोरियोग्राफर, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये जो गाना चल रहा है एकदम ढिंचैक वाला डांस नंबर, जी जी, क्या गाना है और किस तरह से प्लान किया इसको? सर ये जो मैं गाना कर रहा हूँ इसका नाम है बम हिला। बम हिला मतलब आप समझ लीजिए ये बच्चों का गाना नहीं है। हाँ। पर गाना बहुत मेलोडियस है। हाँ। और क्लब में हम जाते हैं तो क्या इस तरह के गाने करते क्या है क्लब में? बम हिला। पहले क्या होता था, क्लब है तो क्लब में आपने लाइटें लगा दी और आपने शूट कर लिया। अभी तो एलिमेंट्स आपको डालने पड़ते हैं, जैसे उसकी एंट्री, तो हमने एक वाइन ग्लास बनाया है बड़ा सा, अच्छा 6-8 फुट का, उसमें वो उतर रही है वाइन ग्लास में, ऐसे और फिर उसके बाद एंट्री करेगी, लाइन बोलेगी, दूसरी लाइन बोलेगी, फिर हुक स्टेप आएगा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मजेदार पार्ट होता है जहाँ हम सिग्नेचर स्टेप बोलते हैं। राइट राइट। तो हम एक अच्छा सिग्नेचर स्टेप बिठाते हैं, उसके लिए हम रिहर्सल्स करते हैं कि सिग्नेचर स्टेप कैसा होना चाहिए। तो बम हिला है तो इसका मतलब नहीं कि बम हिला है, बम हिला मतलब फिर कुछ प्यार ग्रूव नाइसली रोमांटिकली म्यूजिकली सब जाए अच्छे से। फिर उसके बाद हम उसको कैमरा वाइज प्लान करते हैं कि इसको इस तरह ही शूट करेंगे, लो एंगल शूट करेंगे, यहाँ से यहाँ शूट करेंगे। ढिंका चिका गाने की लाइन, तो ढिंका चिका पे क्या स्टेप होना है वो सिंपल होना चाहिए, क्योंकि ढिंका चिका वर्ड भी सिंपल है। अभी जैसे कि कोई भी एक गाना आप समझ लीजिए, कोई भी गाना जैसे पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, तो सिंपल है, तो एक सिंपल सा जुम्मे की रात, सिंपल एक लाइन है वो जो कि हर कोई गाने वाला है बार बार, हुक लाइन है। तो सिग्नेचर स्टेप भी आपको सिंपल ही देने पड़ेंगे। आप उसमें फाड़ू बिठाओगे ना तो लोगों को लगे हाँ अच्छा डांस किया भाई, ना अच्छा था, नाइस था। बट आप जब उसको थोड़ा सा कम सिमिलर सिंपलिश नाइस करोगे तो लोगों को करने का मन करेगा। जब लोगों को करने का मन करेगा अपने आप वो चीज़ें हिट होंगी, लोग पसंद करेंगे, अरे वाह लगाओ लगाओ। हम पार्टी में, जब बर्थडे पार्टी में भी लोग नाचेंगे है ना, आँख मारे में लोग आँख मारे का स्टेप अंकल आंटियाँ करें, इतना भी इजी नहीं लेकिन सिंपल है। राइट। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ अट्रैक्टिव दैट स्टेप इज, इट शुड बी अट्रैक्टिव। जब आप एक्टर को डांस कराते हो तो सारे ही एक्टर बहुत अच्छे डांसर्स नहीं होते टेक्निकली, तो ऐसे में 70% नहीं होते, 70% नहीं होते, तो आप उनको भी उनके हिसाब से समझ के डांस कराते हो कि इसकी ये प्लस है ये माइनस है ये इसके? सबसे पहला हम उनका स्टाइल को पकड़ते हैं, उनको छोड़ते नहीं है। ओके। जो नए लोग हैं उनको स्टाइल देना पड़ता है। ओके। जैसे डीआईडी वगैरह में भी हाँ हाँ हमको उनको स्टाइल पैदा करके देना पड़ता है। हाँ। और जो बाहर के जो नए एक्टर्स हैं उनको हमको क्या बोलते हैं नया स्टाइल देना पड़ता है कि तुम इस तरह करो, अच्छे लगोगे, शाहरुख की तरह करो, सलमान भाई की तरह करो, इसकी तरह करो, थोड़ा उसकी झलक लाओ, थोड़ा उसकी झलक तुम्हें अच्छी लग रही है। नए एक्टर्स को हम ऐसे गाइड करते हैं। ओके।